नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर जो है लेटेस्ट गूगल कैमरा गो का जो बिल्ड हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया है रेडमी डिवाइस के ऊपर, एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान जीकेम गो 3.8 का जो रिव्यू वीडियो है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। प्लस इस जीकेम गो के साथ हमने जो है कुछ फोटो को क्लिक किया है, तो यहाँ पर जो है फोटो सैंपल को भी हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। तो ये जो जीकेम गो का जो बिल्ड है ऑलमोस्ट सभी एंड्रॉयड डिवाइस का काम कर जाएगा, विदाउट कैमरा टेप भी काम करता है, काफी बढ़िया बात है, एंड सभी डिवाइस का काम करेगा। नंबर बात कर लेते हैं पर जीकेम गो का जो 3.8 का जो वर्जन है कौन कौन से डिवाइस के ऊपर काम करेगा। सबसे पहले रेडमी, शाओमी, पोको, वन प्लस, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, आईक्यू, रियलमी या पर मोटरोला, सभी डिवाइस के साथ ये जो जीकेम गो का जो बिल्ड काम कर जाएगा। इवन अगर आपके डिवाइस के ऊपर कैमरा टेप जो है एनेबल नहीं है, फिर भी ये जो जीकेम गो का जो बिल्ड काम करेगा। यहाँ पर सबिम करके डेवलपर की तरफ से ये जो जीकेम गो का जो बिल्ड है देने को मिलेगा, एंड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस गूगल कैमरा गो का जो डाउनलोड लिंक है प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके इस जीकेम गो को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर जो कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देने को मिलता है, अलग अलग ऑप्शन को ऐड किया गया है। अभी फिलहाल इस जीकेम गो के साथ जो है मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, देख सकते हैं। पर जो मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है ऐड नहीं किया गया है, जो लास्ट बिल्ड था जीकेम गो के साथ उसमें मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन जो है अवेलेबल था, बट जीकेम गो 3.8 के साथ जो है मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है। ये जो बिल्ड तो गूगल कैमरा गो का जो है स्टेबल बिल्ड उसके ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। तो पर जो स्टेबल जीकेम गो 3.8 का जो बिल्ड है देने को मिलेगा। नंबर बात कर लेते फीचर्स के बारे में, क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है। सबसे पहले पर जीकेम गो के साथ जो है नाइट मोड का जो ऑप्शन है अवेलेबल है, तो पर जो नाइट मोड का जो ऑप्शन है सभी डिवाइस के ऊपर काम कर जाएगा। तो सिंपली इस तरह से आप जो नाइट मोड के साथ जो है फोटो को क्लिक कर सकते हो, तो पर जो नाइट मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसे ऐड किया गया है। नेक्स्ट पर जो फिल्टर्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, अब जो है यहाँ से जो है अलग अलग फिल्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हो, कुछ इस तरह से पर जो फिल्टर्स का जो ऑप्शन से अवेलेबल है। बट यहाँ पर जो देख सकते हो फिल्टर का जो ऑप्शन है अभी फिलहाल काम नहीं कर रहा है रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के साथ, ये जैसे हमने नोटिस किया है। एनीवे यहाँ पर जो है नाइट मोड का ऑप्शन है फिल्टर को ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर जो है HDR मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, तो यहाँ से आप जो है HDR मोड को एनेबल कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है नाइट मोड प्लस HDR मोड दोनों जो है एक साथ काम नहीं करते। अगर आप नाइट मोड को एनेबल करोगे तो यहाँ पर जो है HDR मोड डिजेबल हो जाएगा, अगर आप HDR मोड को एनेबल करोगे तो यहाँ पर जो है नाइट मोड जो है डिजेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है HDR मोड प्लस जो नाइट मोड है दोनों को आप जो है एक साथ यूज नहीं कर सकते। प्लस यहाँ पर जो है जूम का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर जो जीकेम गो के साथ जो 100x जूम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, कुछ इस तरह से पर जो 100x जूम का जो ऑप्शन से काम करते काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर 100x जूम का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, यहाँ पर जो सभी डिवाइस पर जो है अब 100x जूम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, सभी डिवाइस के साथ जो 100x जूम का जो ऑप्शन से काम करते हैं जीकेम गो के साथ, काफी बढ़िया बात है। एंड ये जो जीकेम गो का जो बिल्ड है 64-bit डिवाइस के साथ काम करते हैं। अगर आप 32-bit डिवाइस के ऊपर इस जीकेम गो को इंस्टॉल करोगे तो ये जो फीचर से ये जो जीकेम गो का जो ऑप्शन से काम नहीं करेगा। एंड इस तरह से सभी जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर बात कर लेते हैं पर जो क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है जीकेम गो के साथ, बट सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं पर जो कौन सा एंड्रॉयड वर्जन के साथ ये जो जीकेम गो का जो बिल्ड है काम करेगा। तो यहाँ पर जो एंड्रॉयड 9, एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 13, एंड्रॉयड 14 के साथ भी ये जो जीकेम गो का जो बिल्ड काम कर जाएगा। अभी फिलहाल हमने यहाँ पर जो रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर MIUI 12, MIUI 13, MIUI 14 को ट्राई किया था, उसमें भी काम कर रहे हैं। प्लस अभी फिलहाल जो एंड्रॉयड 13 कस्टम नाम के साथ जो है जीकेम गो का जो बिल्ड काम कर जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये जो गूगल कैमरा गो का जो बिल्ड है तो MIUI 12, MIUI 13, MIUI 14, सैमसंग का जो वन UI है, रियलमी UI, कलर वेस कस्टम नाम के साथ भी ये जो जीकेम गो का जो बिल्ड काम कर जाएगा, काफी बढ़िया बात है। अभी फिलहाल जो है पर ऑक्सिलरी कैमरा का जो ऑप्शन है और मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं पर जो फोटो क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पर हम जो है जीकेम गो के साथ जो है आपके सामने लाइव कुछ फोटो को क्लिक करने वाले हैं, देखते किस तरह से पर जो है फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर जो है HDR मोड को डिसेबल करते हैं, हम जो है HDR मोड को बंद करने के बाद कुछ फोटो को क्लिक करने वाले हैं, देखते किस तरह से पर जो है फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास है पोको F1 डिवाइस, इसके साथ कुछ फोटो को जल्दी से क्लिक करते देखते किस तरह से पर जो है
फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। एंड इस तरह से आप जो बहुत ही फास्ट इस जिकम के साथ जो फोटो को क्लिक कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो नाइट मोड है, नाइट मोड को एनेबल करते हैं, तो हमने यहाँ पर जो नाइट मोड को एनेबल कर दिया है। उसके बाद जो है और कुछ फोटो को क्लिक करते हैं, देखते किस तरह से पर जो फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। देख सकते हो जो नाइट मोड के साथ जो फोटो क्लिक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जो मल्टीपल फ्रेम के साथ जो फोटो क्लिक करते हैं नाइट मोड के साथ, तो जो नाइट मोड के साथ फोटो क्लिक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। नेक्स्ट जो HDR मोड है, HDR मोड को एनेबल करते हैं। हमने यहाँ पर जो HDR मोड है, HDR मोड को एनेबल किया है। एंड यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो HDR मोड के साथ भी फोटो क्लिक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मल्टीपल फ्रेम के साथ जो फोटो क्लिक होता है। तो यहाँ पर जो HDR मोड प्लस नाइट मोड के साथ जो हमने फोटो क्लिक किया है। यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर जो फिल्टर्स का जो ऑप्शन से काम करते हैं नहीं, तो यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स के साथ हम जो फोटो को क्लिक करके देखते हैं जो ऑप्शन काम करते नहीं, तो यहाँ पर जो है शायद फिल्टर का जो ऑप्शन है यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, जिसे हमने नोटिस किया है। शायद नेक्स्ट बिल्ड के ऊपर ये जो फीचर्स यहाँ पर जो फिक्स हो सकता है। हमारे पास है MI2 डिवाइस, इसके साथ भी कुछ फोटो क्लिक करके देखते हैं किस तरह से पर जो फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। फिलहाल जो है मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से ऐड नहीं किया गया है इस जीकम गो बिल्ड के साथ, तो देख लेते किस तरह से पर जो फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो कुछ इस तरह से पर जो फोटो क्वालिटी देने को मिलता है, यहाँ पर जो ड्रिलिंग है काफी बढ़िया है, यहाँ पर जो HDR मोड है काफी बढ़िया जैसे काम कर रहा है, प्लस काफी हद तक जो नेचुरल कलर देने को मिलेगा, एक्यूरेट कलर देने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह से यहाँ पर जो फोकस काम करता है एंड नेचुरल कलर देने को मिल जाएगा, एक्यूरेट कलर देने को मिलेगा इस जीकम के साथ। यहाँ पर हमने जो नाइट मोड का जो ऑप्शन है एनेबल किया है, नाइट मोड को एनेबल करने के बाद एक चीज हमने नोटिस किया है, यहाँ पर जो ब्राइटर फोटो देने को मिलता है। देख सकते हो कुछ इस तरह से नाइट मोड को एनेबल करने के बाद जो ब्राइटर फोटो देने को मिल जाएगा जीकम गो के साथ, कुछ इस तरह से फोटो देने को मिलता है। डिफरेंटली अगर आप रात के टाइम यूज करोगे आपको जो है नॉइज देने को मिल सकता है जीकम गो के साथ। एंड यहाँ पर हमने जो HDR मोड को एनेबल किया है, देख सकते हो पर HDR मोड को एनेबल करने के बाद जो ड्रिलिंग है काफी बढ़िया है, काफी बढ़िया ड्रिलिंग के साथ जो फोटो क्वालिटी देने को मिलता है, काफी हद तक जो है बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिल गया है। एंड यहाँ पर MI2 डिवाइस है। डेफिनेटली अगर आपके डिवाइस के ऊपर जो है गूगल कैमरा काम नहीं कर रहा है, आप सिंपली यहाँ पर जो जीकम गो को इंस्टॉल कर सकते हो। जीकम गो के साथ जो है आपको काफी हद तक जो है बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा, अगर आपके डिवाइस के ऊपर जो है गूगल कैमरा अगर काम नहीं कर रहा है तो। बाकी आपको फोटो सैंपल कैसा लगा आप जरूर से कॉमेंट करके बोल सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर जो है फ्लैश का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर ऑटो ऑन ऑफ का ऑप्शन है। एंड इस ऑप्शन में टैप करके आप चेक कर सकते हो कितना फोटोज को क्लिक कर सकते हो, पर जो डिवाइस स्टोरेज का जो ऑप्शन देने को मिलेगा। एंड यहाँ पर QR कोड को स्कैन करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, तो ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन में टैप करने के बाद आप सिंपली QR कोड को स्कैन कर सकते हो। यहाँ पर QR कोड को स्कैन करने के साथ साथ यहाँ पर जो जूम का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एंड ये जो ऑप्शन है पर गैलरी का ऑप्शन है, प्लस कैमरा को स्विच करने का ऑप्शन है। इस ऑप्शन के साथ जो है पर 100x जूम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा सभी डिवाइस के साथ, काफी बढ़िया बात है। वीडियो की अगर बात करें पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो है पर फ्लैश का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्लस यहाँ पर आप देख पाओगे कितना मिनट तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। पर टैप टू फोकस का जो ऑप्शन से काम करता है, इस ऑप्शन के साथ जो है ब्राइटनेस एंड शेडो को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर इस तरह से सभी जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन है, यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के ऊपर जो है फ्लैश का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर फ्लैश के ऊपर जो ऑटो ऑन ऑफ का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर आप देख पाओगे कितना मिनट तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। पर स्लाइडर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड का जो ऑप्शन से काम करते हैं, यहाँ पर जो है पोर्ट्रेट मोड के साथ जो है HDR मोड का जो ऑप्शन से अवेलेबल नहीं है, ये चीज हमने नोटिस किया है। एंड फिल्टर्स का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसे भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें सेटिंग्स के बारे में, तो यहाँ पर जो नाइट मोड का ऑप्शन है, HDR मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर फ्लैश का ऑप्शन है, टाइमर का ऑप्शन है, 3 सेकंड 10 सेकंड का ऑप्शन है, यहाँ पर फेस रिटचिंग का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, 4:3 16:9 का ऑप्शन है, यहाँ पर सेव सेल्फी एज प्रीव्यू का ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है, पर जो है ग्रिड टाइप का ऑप्शन है, सेव लोकेशन का ऑप्शन है, पर QR कोड को स्कैन करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, यहाँ से आप जो है QR कोड को स्कैन कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। गूगल कैमरा गो का जो 3.8 का जो स्टेबल बिल्ड है हमने यहाँ पर जो इंस्टॉल किया है Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर, कुछ इस तरह से पर जो ये सभी जो ऑप्शन से देने को मिलेगा, ये सभी जो फीचर से ऐड किया गया है जीकम गो के साथ। बाकी आपको फोटो क्वालिटी कैसा लगा आप जरूर से कमेंट करके बोल सकते हो। अगर आपके डिवाइस के ऊपर जो गूगल कैमरा अगर काम नहीं करता, अगर आपके डिवाइस के ऊपर जो जीकम काम नहीं करता, आप सिंपली इस गूगल कैमरा गो को ट्राई करके देखो, डेफिनेटली आपके डिवाइस के ऊपर जीकम गो का जो बिल्ड काम कर जाएगा।
एंड यहाँ पर जो है स्टेबल जीकम गो का जो बिल्ड है एंड ऑलमोस्ट सभी डिवाइस पर काम करते हैं, रेडमी, शाओमी, पोको, वन प्लस, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, मोटोरोला, आईक्यू सभी के साथ काम करेगा। यहाँ पर स्नैपड्रैगन, एक्जिनोस, मीडियाटेक डिवाइस के साथ भी ये जो जीकम गो का जो बिल्ड काम करता है। यहाँ पर 2GB RAM, 3GB RAM, 4GB RAM के साथ भी काम कर जाएगा। यहाँ पर 64 डिवाइस के लिए ये जो जीकम का जो बिल्ड काम करता है, 32-bit डिवाइस के साथ ये जो जीकम गो का जो बिल्ड काम नहीं करेगा। बाकी यहाँ पर जो 100x जूम का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, HDR मोड का ऑप्शन है, फिल्टर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया जो कि फिलहाल काम नहीं कर रहा है, ऑक्सिलरी कैमरा का जो ऑप्शन है फिलहाल अवेलेबल नहीं है, बाकी नाइट मोड का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, QR कोड को स्कैन करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। इस जीकम गो का जो डाउनलोड लिंक रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके जीकम 8.7 का जो लेटेस्ट वर्जन है उसका जो रिव्यू वीडियो है उसे भी आप चेकआउट करके देखो। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।